सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हित्वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। संपूर्ण ब्रजमंडल भगवान कृष्ण की लीला स्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है, और पूरे ब्रजमंडल में 12 वन हैं और 12 उपवन हैं। उन्हीं 12 वनों में से पंचम वन जो है उसको काम्य वन कहा जाता है। आज काम्य वन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे भगवान कृष्ण की यह गौचारण भूमि रही है। ठाकुर जी ने यहाँ अनेकों लीलाएं की हैं। आज हम आपको भगवान के ऐसे स्वरूप के दर्शन कराने के लिए काम्य वन लेकर के आए हैं जो किसी समय पर श्रीधाम वृंदावन में विराजते थे। आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान के गोपीनाथ स्वरूप का मंदिर है। कैसे भगवान गोपीनाथ जी वृंदावन से यहाँ काम्य वन की भूमि पर चल करके आए, क्या लीला है यहाँ की, और कितना पुराना यह स्थान है, और कैसे सुंदर स्वरूप के दर्शन भगवान कृष्ण के यहाँ होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, गोपीनाथ अर्थात गोपियों के जो नाथ हैं। भगवान की रासस्थली रही है काम्य वन। आइए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आज के जो दिव्य दर्शन हैं उनका आनंद लेते हैं और जानते हैं इस स्थान की लीला के विषय में, भगवान की क्या लीला यहाँ हुई है, कैसे वृंदावन से चल करके गोपीनाथ जी काम्य वन पधारे, और कैसा सुंदर यह मंदिर है, कितना प्राचीन यह मंदिर है। आज ये संपूर्ण दर्शन आज आप करेंगे। और आज हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं शुभम भैया, जो यहाँ के काम्य वन के गाइड भी हैं, इन्हीं के साथ में यहाँ की यात्रा करेंगे और पूरी यहाँ की जो लीला है उसके विषय में जानेंगे शुभम भैया के साथ। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आज की जो यात्रा है वो आप अपने सानिध्य में हमें कराओ, और यहाँ को जो पूरा वृत्तांत है वो आपको आप वर्णन करके नहीं आओ। बिल्कुल प्रभु जी, आइए बता रहे हैं। प्रभु अंदर पहले गोपीनाथ जी मंदिर जी, गोपीनाथ जी के नाम से ही पता चल रहा है गोपियों के नाथ जी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की है, महाराज किया है। थोड़ा अंदर चलते हैं तो इसका थोड़ा दर्शन करने पर फिर आगे महिमा का वर्णन करेंगे। तो आइए चलते हैं शुभ भैया के साथ आज की मंगलमय यात्रा पर। मैं आपको यहाँ बाहर से दर्शन करा देता हूँ। आप देखिए कितना प्राचीन यह स्थान रहा होगा, और यहाँ स्थान के विषय में पूरी जानकारी आपको यहाँ शिला पट्टिका पर मिलती है। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में, और ये मुख्य द्वार पर जो फाटक हैं आप देख सकते हैं ये कितने प्राचीन रहे होंगे। उसी समय के ये फाटक आज भी लगे हुए हैं। कितनी विशाल किवाड़ बनाई हैं उस समय पर, और अपने आप में जब इनका दर्शन करते हैं तो यहाँ की प्राचीनता का अनुभव स्वतः ही प्राप्त होता है। ये दो देरी बनाई गई हैं, यहाँ कभी बैठ करके यहाँ भक्त प्रभु का गुणगान किया करते होंगे, और आज भी जो भक्त आते हैं वो इन स्थानों को प्रणाम जरूर करते हैं। आइए प्रवेश करते हैं। और मंदिर के गेट में जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं, और आप एक बार यहाँ के दर्शन करें, कितना प्राचीन और कितना सुंदर यह स्थान रहा है होगा, आप इस बात का अंदाज़ा देख करके लगा सकते हैं। ब्रजमंडल के अति प्राचीन स्थानों में से यह स्थान है जिसको गोपीनाथ मंदिर कहा जाता है, और यहीं बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं अपने पूरे परिवार के साथ। आइए उनको भी प्रणाम करते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की। भगवान की लीला का कोई स्थान हो और बाबा भोलेनाथ वहाँ ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की लीलाओं के परम रसिक हैं बाबा भोलेनाथ। आइए अब चलते हैं मंदिर प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं यहाँ बड़ी ही शांति का अनुभव होता है हृदय में, क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ प्रभु ने साक्षात लीलाएं की हैं। आज भी जो भक्त यहाँ आते हैं वो इस शांति को यहाँ अनुभव करते हैं। और देखिए उसी समय के ये दरवाजे बने हुए हैं, कैसी कैसी सुंदर कलाकारी लकड़ी पर की गई है।
ब्रजमंडल का बहुत ही प्राचीन स्थान गोपीनाथ मंदिर श्रीधाम काम्यवन। और देखिए ककरैया ईंटों के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण किया गया है जो कि बहुत ही प्राचीन है। आज भी उस प्राचीनता के दर्शन काम्यवन की भूमि पर विराजमान है। कोई भी भक्त आकर के यहाँ दर्शन कर सकता है। आइए अब चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में। और मैं आपको यहाँ से दूर से एक बार मंदिर की सुंदरता के दर्शन करा देता हूँ। कितना सुंदर और कितना प्राचीन यह स्थान है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वृंदा देवी वाली, लगभग उसी के जैसा यह स्थान है और उसी के समकालीन यह स्थान है। और मैं आपको एक दर्शन और यहाँ के करा दूँ। ठीक हमारे प्रभु गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने यहाँ परम भक्त श्री हनुमतलाल जी विराजमान हैं, जो आज तक प्रभु के दर्शन यहाँ से करते हैं। जय हो मेरे हनुमतलाल। और अब हम पहुँच गए हैं प्रभु के श्री चरणों में। एक बार मैं आपको यहाँ की सुंदरता के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए ये कितना प्राचीन स्थान रहा होगा। आप दर्शन के माध्यम से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे कैसे खम्भे बनाए गए हैं और खम्भों पर ये आम के पत्ते जो बने हुए हैं उनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और पूरे मंदिर की छत पर हमारे गोविंद की महारास लीला के दर्शन होते हैं। दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान कृष्ण। बड़े ही सुंदर दर्शन हैं यहाँ। चित्रकारी से माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है प्रभु की महारास लीला को। और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के दर्शनों का। प्रभु यहाँ गोपीनाथ रूप में साक्षात विराजमान हैं और आज तक अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो भी भक्त प्रभु के चरणों में आता है वो निहाल हो जाता है। ऐसा स्वरूप है भगवान का गोपीनाथ। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। स्वयं भैया यहाँ किस किस स्वरूप के दर्शन है? ये जो मुख्य बीच में है जी, ये अपने गोपीनाथ जी का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण, जैसे कारो भगवान के में है, कारो ठाकुर हमारे ब्रज में कनुआ कहें, कनुआ कहें, कारो ठाकुर के में है। तो बीच में अपने गोपीनाथ जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ये अपने बाई ओर ये जानवी माता, जो अपने नित्यानंद प्रभु की सहधर्मी, अच्छा अच्छा, जिनके यहाँ पर दर्शन है। और बाई ओर सीधे राधा रानी किशोरी जी, किशोरी जी महाराज, ये सामने हाथ का गुलाब का फूल लिए हुए आप देख रहे हो, श्री राधा रानी जी के दर्शन है। और जो ये मंदिर है, ये मंदिर करीबन 450 वर्ष पुराना है। ये 1659 ईस्वी का बना हुआ है, 1669 ईस्वी का। ये सामने जगन्नाथ प्रभु का विग्रह है, ये जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है, जगन्नाथ प्रभु महाविग्रह। और बगल में ये बगल में श्री राधा रानी लाडली सरकार, बगल में कृष्ण भगवान छोटे स्वरूप, छोटे स्वरूप। आइए दर्शनों के उपरांत मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे गोपीनाथ भगवान की जय, लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान जगन्नाथ की जय। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपने जो मानसिक रूप से प्रणाम किया आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ प्रणाम करने से होती है। आइए अब चलते हैं शुभम भैया के पास और जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में। शुभम भैया यहाँ की क्या महिमा है इस स्थान की और कितनों प्राचीन यह स्थान है? ये स्थान काम्बन के अंदर आता है जी, और काम्बन को बोला जाता है प्राचीन वृंदावन, गुप्त वृंदावन जी। वैदिक काल से जो वेदों के समय से जो वृंदावन है वो ये काम्बन है। काम्बन में स्थित है ये मंदिर गोपीनाथ मंदिर जी। जो ये विग्रह है यहाँ का गोपीनाथ का, ये वृंदावन से आया हुआ विग्रह है। अच्छा, यहाँ जो स्वरूप है वो वृंदावन से पधारा, वृंदावन से पधारा हुआ स्वरूप है जी। कि जब औरंगजेब का शासक था तो औरंगजेब मंदिरों को ध्वस्त करने में लगा हुआ था, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने में लगा हुआ था जी, मंदिरों को तहस महस कर रहा था। तो जयपुर के राजा हुए एक, वो ये अपनी गोपीनाथ जी, वृंदा देवी, जगन्नाथ जी, इन तीनों विग्रहों को राधा कुंड के होते हुए काम्बन लेके आए। एक दिन विग्रह राधा कुंड रुके और दूसरे दिन यहाँ काम्बन रुके हैं।
ये तीनों विग्रहों के दर्शन यहाँ कामन में है, जिनमें से एक मेन विग्रह जो माधवगौड़ संप्रदाय के अंतर्गत आता है वो है गोपीनाथ। गोपीनाथ का मतलब है गोपियों के नाथ। यहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किए हुए रास मंडल, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ चारों तरफ गोपियों के साथ रास की यहाँ प्रतिलिपि लगी हुई है, चित्रण हुआ पड़ा है। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, करीबन ऐसा बताते हैं कि 450 वर्ष प्राचीन मंदिर है। 1669 ईस्वी में बनाया हुआ ये मंदिर है, ये स्थान जी, ये 1669 ईस्वी में बनाया हुआ मंदिर, क्योंकि औरंगजेब का जो शासक था करीब 500 वर्ष पूर्व था जी, 500 वर्ष पूर्व था। 500 वर्ष पूर्व के बाद जब इन विग्रहों को यहाँ कामन लाया गया, जब जाके इन प्रतिमा मंदिरों की देवालयों की स्थापना की गई राजाओं के द्वारा, तो जयपुर के राजा के द्वारा निर्मित है ये मंदिर। जो एक विग्रह यहाँ अपने कामन में है गोपीनाथ जी का, और एक विग्रह अपना ये जयपुर में है आज भी, जिनको आज गोविंद देव जी बोला जाता है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, वो विग्रह भी है। ये दोनों ही विग्रह सेम है, जो आपको यहाँ दर्शन हो रहे हैं वही सेम दर्शन आपको जयपुर के विग्रह में होंगे। जयपुर में जो मंदिर है गोविंद देव जी का, वहाँ भी वही सेम दर्शन, बिल्कुल वही सेम दर्शन होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ विग्रह में अंदर, आपने देखा था कि राइट साइड में तो अपने श्री राधा रानी लाडली सरकार हैं जी, मध्य में अपने श्री कान्हा जी जी, और अपने लेफ्ट साइड में जाह्नवी माता जी, जो नित्यानंद प्रभु की सहधर्मी हैं जी। जो जगन्नाथ रथ यात्रा जब हो रही थी तो यहाँ पर एक विग्रह जगन्नाथ प्रभु का भी है, जगन्नाथ जी का जी। तो रथ यात्रा जब यहाँ हो रही थी जगन्नाथ प्रभु की, तो जगन्नाथ प्रभु अपनी जो उनकी सहधर्मी थी अपनी जाह्नवी माता, उनको यहाँ गोपीनाथ जी के बगल में स्थापित करके चले गए हैं। अच्छा जी, यहाँ स्थापित करके चले गए उनकी सेवा के लिए। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ब्रज का, एक मुख्य मात्र मंदिर जिसके दर्शन से ब्रज 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि कितना प्राचीन है, यहाँ भगवान की आगे रसोई भी है जहाँ गोपीनाथ जी का खाना बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता था प्राचीन समय में। मैं आपसे निवेदन करूँ, इस स्थान की कितनी बड़ी महिमा है, जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उनको संपूर्ण 84 कोस की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कि स्वयं भैया बता रहे हैं, ब्रजमंडल का अति प्राचीन स्थान है गोपीनाथ मंदिर, और यहाँ भगवान आज भी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। जब भगवान के मन में कोई लीला करने की इच्छा होती है तो भक्तों के माध्यम से उस लीला को संपन्न कराते हैं भगवान। भगवान की जब वृंदावन से यहाँ आने की मन में जिज्ञासा हुई तो निमित्त किसी को भी बना करके प्रभु ने लीला रची और प्रभु यहाँ पधारे, और तब से आज तक प्रभु यहाँ विराजते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान का एक परम उद्देश्य है अपने भक्तों को आनंद देना। जिस प्रकार से भक्तों का उद्देश्य होता है कि मैं अपने आराध्य को सेवा के माध्यम से आनंद प्रदान करूं, उसी प्रकार से भगवान का भी एक उद्देश्य होता है कि मैं अपने भक्तों के आनंद के लिए अनेकों लीलाएं करूं। उसी स्वरूप में भगवान गोपीनाथ जी आज भी यहाँ विराजमान हैं, और शुभम भैया बता रहे हैं यहाँ प्रभु की बड़ी प्राचीन रसोई भी है। आइए चलते हैं शुभम भैया के साथ और वहाँ का भी आज दर्शन करते हैं। आइए अब चलते हैं, प्रभु की रसोई के भी दर्शन करते हैं। ये श्री गोपीनाथ जी की रसोई है, काफ़ी प्राचीन जी। अभी तो मंदिर काफ़ी प्राचीन हो चुका है, तो मतलब इसकी ध्वस्त सी हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। लेकिन प्राचीन समय में जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ था तो भगवान गोपीनाथ का जो प्रसादी है वो इसी रसोई में बनता, भगवान का भोग इसी स्थान पर, इसी स्थान पर बनाया जाता था। जय हो महाराज। आप देख सकते हैं ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा, और इसका जो मरम्मत का कार्य चल रहा है, और मरम्मत के बाद यहाँ पुनः भगवान की भोग प्रसादी की भी व्यवस्था पुनः दोबारा शुरू होगी, क्योंकि स्थान समय समय पर मरम्मत मांगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्राचीन समय का ये मंदिर है, तो गोपियाँ यहाँ से झांका करती थी, ये अपनी विंडो बनी हुई है, जैसे महलों में नहीं रहती थी। अच्छा। वो ऐसे ही विंडो यहाँ बनी हुई है, यहाँ से गोपियाँ रास को देखा करती थी, जैसे कि आप ये ऊपर जो खिड़कियाँ बनी है, बहुत ही सुंदर दृश्य है कि आप लगा सकते हो कि यहाँ रास हो रहा है, उधर से गोपियाँ देख रही हैं भगवान श्री कृष्ण को रास करते हुए। मैं आपसे मनमोहक दृश्य आपसे निवेदन करूं, यहाँ जो झरोका आप देख रहे हैं, ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं, गोपियाँ यहीं बैठती थीं और यहीं से प्रभु के दर्शन किया करते थे। बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही सुंदर यह स्थान है, आप कल्पनाओं के माध्यम से उस लीला को दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि कल्पना जीव कहीं की भी कर सकता है, भक्त कहीं की भी कर सकता है। आप चाहे वृंदावन में बैठे हों
और आपको दर्शन करने हैं गोविंद देव जी के, आप आंख बंद करके गोविंद देव जी के दर्शन जयपुर से कर सकते हैं। आप अमेरिका में बैठे हैं, अगर आपका मन है कि हमारी किशोरी जी के दर्शन करने हैं तो आप ध्यान के माध्यम से आंख बंद करके हमारे लाडली जी के दर्शन आप वहां भी कर सकते हैं। क्योंकि दर्शन और ध्यान दो चीज़ होती हैं, जो आँखों से दिखाई दे उसको दर्शन कहा जाता है, और जो ध्यान के माध्यम से वही चीज़ दिखाई दे आँख बंद करके उसको ध्यान कहा जा सकता है। तो आप ध्यान के माध्यम से इस लीला का दर्शन कर सकते हैं, प्रभु की यहाँ लीला हो रही है और गोपियाँ झरोखों में बैठ करके उस लीला का आनंद प्राप्त कर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूँ कि जब भी ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें और आपको ब्रजमंडल आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप कामेवन जरूर आएँ, क्योंकि आज जो आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन के, ये वृंदावन 500-600 साल पुराना है, परंतु आदि वृंदावन, आदि माने पुराना, प्राचीन जो वृंदावन है वो कामेवन है। यहाँ ठाकुर जी की साक्षात गौचारण भूमि है। भगवान नंदगांव से गौ माता को लेकर के यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। और अगर आप के ऊपर लाडली जी कृपा करें, क्योंकि हमारी बिना किशोरी जी की कृपा के कोई ब्रज में आ नहीं सकता, जब भी आपके ऊपर लाडली जी कृपा करें आप कामेवन पधारें, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोम भैया का नंबर आपको दे देता हूँ। ये ब्रजमंडल के बड़े सुंदर दर्शन कराते हैं, ब्राह्मण भैया हैं, और यहाँ की लीला को आपको ऐसे दर्शन कराएंगे कि साक्षात उस समय में प्रवेश करा देते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों को तो साक्षात श्री जी की कृपा प्राप्त है महाराज, ब्रजवासी में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं होता। ये ब्रजवासी हमारी लाडली जी को, हमारे ठाकुर जी को परम प्रिय हैं। आज आपने ब्रजमंडल के अति प्राचीन स्थान गोपीनाथ मंदिर के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भक्त ब्रजमंडल नहीं आ पाते उनको घर बैठे ब्रजमंडल के ऐसे प्राचीन स्थानों के दर्शन प्राप्त होते रहें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अति प्राचीन स्थानों के दर्शन आप सभी भक्तों को प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए कामेवन की पावन भूमि से भगवान गोपीनाथ के श्री चरणों में से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।